घुमा चले घुमा, बस बस हो गया। हल्का से उल्टा ले ले ले, एक दाता ले, बस कर बस आ दे। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए BS3 पंप नोजल फिट करने का सही तरीका और किस तरह से टाइमिंग मिलाते हैं और BS3 के पंप नोजल की टाइमिंग क्या, पंप की टाइमिंग क्या है और किस तरह से टाइमिंग मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहें और कभी लक बाय चांस आपके पंप की टाइमिंग हड़वा से रिटायर हो जाती है तो वो भी तरीका मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा दबा दें। शुक्रिया दोस्तों, इस तरह की नई नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और नई नई टेक्निक हमसे सीखते रहें हमारे चैनल पे। शुक्रिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस गाड़ी का आवाज़ सुन रहे होंगे, ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वाइज घूम आ रही है। देखिएगा दोस्तों हम इसका टाइमिंग किस तरह से मिलाएंगे, वाइज हमारे कहाँ से मिलाएंगे आपको मैं इसी वीडियो में पूरा खुद दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हमने पंप नोजल फिट किया था, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ ताकि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए दोस्तों हमने ऐसे करके लगभग सभी गाड़ी सभी पाइपों को तैयार निकालेंगे और उसके बाद भी गाड़ी हमारी बराबर नहीं आ पा रही है तो लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि पंप के आगे से जो तीन बोल्ट की तरह से टाइमिंग मिलाते हैं और टाइमिंग एकदम परफेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों हमने 5 का तो ये निकाल दिया है, अभी 6 लास्ट बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा दबा दें, क्योंकि इस तरह से नई नई वीडियो नई नई टेक्निकल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों ये फ्लाईव्हील की टाइमिंग 1:01 और पंप की टाइमिंग तो आप लोग देख ही चुके हैं और अभी हम आगे से टाइमर के 4 बोल्ट खोल करके और हम पंप की टाइमिंग मिला रहे हैं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज़। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटा दबा दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं हमें वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया दोस्त।